प्रशांत जाधव जी, सुमित पवार कृपया कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं। सुमित पवार जी कृपया कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं। मैच कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होगा, तब तक आपको अच्छे धुन की तरफ ले चलते हुए आईटी टीम फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में मैच प्रारंभ होता हुआ सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन। ये आज का चौथा मैच यम सुरेश एमएस लेजेंड्स वर्सेस कैसी क्रिकेट लवर्स। बैट्समैन नेम प्लीज आपका, आप बैट्समैन। स्ट्राइक पे कौन है? सब कुछ सही, बंटी जी आए हैं पहला ओवर लेकर इस मैच का। गेंद को सीधा खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन एक रन, खाता खुला कैसी क्रिकेट लवर्स का। खाता खुला इसी बीच अगली गेंद यॉर्कर टाइप गेंद थी, वहां मिस फील्ड हुआ है, लेकिन एक ही रन, स्कोर जा पहुंचा दो रन। स्ट्राइक पर सुकेन, नॉन स्ट्राइक पर निकुंज। बंटी जी की अगली गेंद, अंपायर का इशारा नो बॉल, एक रन दौड़कर दो रन, स्कोर जा पहुंचा चार रन। फुल टॉस गेंद बना के खेला है सीधा, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, आसानी के साथ एक रन दूसरा लेना चाहते हैं और एक ओवर थ्रो के बदौलत ये दूसरा रन भी पूरा, स्कोर जा पहुंचा छह रन बिना विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की गेंदबाजी जारी, गेंद को खेला है ऑन साइड पर, एक रन,
स्कोर जा पहुंचा 7 रन बिना विकेट के नुकसान पर। कैप्टन बंटी पॉइंट की तरफ आसानी से चहलकदमी करते हुए 1 रन और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, स्कोर जा पहुंचा 9 रन इस ओवर की अंतिम गेंद। नो बॉल और ये बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक नो बॉल एक दौड़कर 2 रन स्कोर 11 रन, पूरे 5 रन बचाए वहां पर फील्डर ने। गेंद है हवा में लेकिन कैच ड्रॉप हुआ, स्कोर जा पहुंचा 12 रन एक ओवर की समाप्ति बिना विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत 12 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं करण। अच्छी गेंद, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर ने। गेंद को खेलना चाहते थे कहीं दूसरी तरफ, गई गेंद ऑन साइड पर। 1 रन स्कोर 13 रन बिना विकेट के नुकसान पर। गेंद को खेल दिया है वहां पर, पैरों से गेंद को रोका है और वहां पर दूसरा लेना चाहते थे लेकिन मना किया, क्रीज से बाहर ही नहीं निकले। स्कोर है 14 रन बिना विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की गेंदबाजी जारी है। आज के दिन का ये चौथा मैच है टूर्नामेंट का, 5वां दिन, इसके बाद भी एक मैच खेला जाना है। इसी बीच करण गेंद अंदर से लगकर बैट का अंदरूनी किनारा रहती हुई गई, लेकिन कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 14 रन। गेंद को कारपेट के सहारे सीधा खेला है 1 रनों के लिए, स्कोर जा पहुंचा 15 रन, सिर्फ 3 रन आए इस ओवर में। और ये अंतिम बॉल, गेंद को खेला है वहां पर, कैच हो सकता है और कैच कर लिए गए। प्रियांश ने कैच कर लिया एक हाथों से। अच्छी शुरुआत थी लेकिन अच्छा कमबैक किया इस समय एम सुरेश लेजेंड्स ने। स्कोर है 15 रन एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर। ओरा चिंतित, ओरा गेंद को गेंद जब तक फिर मिसफील्ड हुआ 1 रन स्कोर जा पहुंचा 16 रन। गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा पर खेलकर आसानी से 1 रन स्कोर 17 रन एक विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद, गेंद को सिक्सर लगाने के चक्कर में आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं। शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन 2 विकेट उनके महत्वपूर्ण, दोनों ही ओपनर बैट्समैन वापस जा चुके हैं। स्कोर है 17 रन 2 विकेट नुकसान पर। तीसरे ओवर की गेंदबाजी जारी है। अब आए हैं करण, बहुत ही अच्छा शॉट, गेंद गई ऑन साइड पर आसानी से 1 रन। अगली गेंद, अंपायर का इशारा नो बॉल, स्कोर है 19 रन। अगली गेंद पुनः नो बॉल, स्कोर जा पहुंचा 20 रन। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे सुमित मिश्रा सर। उछाल कर खेला है मिड ऑफ की दिशा में, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये लगा सिक्सर और साथ ही नो बॉल का इशारा अंपायर का, कुल 7 रन आएंगे इस बॉल से। स्कोर 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से खेला है मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन के लिए सीधे फील्डर के हाथों में, इन 1 रनों के साथ स्कोर 29 रन
दो विकेट के नुकसान पर तीन ओवर की समाप्ति पर लगभग 10 रन प्रति ओवर के औसत से अभी तक रन बने हैं। आज के दिन का आज पांचवें दिन का ये चौथा मैच जो कि एम सुरेश लीजेंड्स और केसी क्रिकेट लवर्स के बीच खेला जा रहा है। सनी जो कि अभी बॉलिंग आउट, ये बहुत ही सुंदर बॉल, पहली बॉल पर सफलता सनी को। करण जो कि अच्छा खेल रहे थे, 8 रन बनाया, 8 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए, 29 रन पर 3 विकेट, चौथा ओवर जारी। ये खेला एक रन के लिए, मौका हो सकता था, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, बॉल छिटक के हाथ से निकली और जिसका फायदा उठाया दोनों ही बैट्समैन ने, दौड़ते हुए एक रन पूरे किए, 30 रन। और इसके साथ ये बहुत ही सुंदर मौका था, लगभग हाथ में आ चुकी थी गेंद लेकिन छिटक के बाहर दूर जा गई और इसका भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन ने, एक रन लिया दौड़कर, 31 रन। ये चौथे ओवर की संभवतया अंतिम गेंद होंगी, 31 रन अभी भी ये खेल दिया है, एक रन के लिए दौड़ लगाना चाहते थे लेकिन सीधे फॉलो थ्रो में पकड़ा और सभी गुंजाइशों को वहीं खारिज किया, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। मैं बताना चाहूंगा कि सनी जिन्होंने अभी चौथी ओवर करी सिर्फ 2 रन देकर 1 विकेट लिया, बहुत ही किफायती और सफल ओवर सनी द्वारा। इस बीच करण जो कि पांचवा ओवर लेकर आए हैं, 1 रन इसके बीच दौड़कर पूरा किया, 32 रन। फिर से मिड ऑफ की दिशा में खेला गया, 1 रन, 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पर केसी क्रिकेट लवर्स का स्कोर। और ये उछाल कर खेला है, स्ट्रेट ड्राइव खेला था, 1 रन मिलेंगे और 1 ही रन से संतुष्ट, स्कोर 34 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और ये उछाल कर खेला सीधे हाथों में, चौथा विकेट गिरता हुआ केसी लवर्स, क्रिकेट लवर्स का। केसी लवर्स 34 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और ये पांचवा ओवर चल रहा है, पांचवें ओवर की 4 गेंदें हो चुकी हैं, पांचवें ओवर के लिए 2 गेंदें शेष। ये मिड विकेट पर खेला गया, 1 रन के लिए 1 ही रन मिलेगा। चंद्रे जो कि अभी भी छठवें विकेट के लिए आए हैं, उछाल कर खिलाड़ी सिक्सर, और इन 6 रनों के साथ ही स्कोर सीधे उछलते हुए पहुंचा 41 रन, 41 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। पांच ओवर की समाप्ति पर अंतिम ओवर इस इनिंग का सनी लेकर आए हैं, जिनका पिछला ओवर बहुत ही किफायती रहा, और ये 1 रन आउट। कुछ तो यहां कंफ्यूजन दिख रहा है क्योंकि मिड विकेट के फील्डर ने गेंद पकड़ी थी, बॉलर को थ्रो दिया लेकिन बॉलर बॉल पकड़ने से पहले ही अपने पांव से, बॉलर के पांव से विकेट डेड हो गया था, जिसका भरपूर फायदा मिला है केसी क्रिकेट लवर्स को। साथ ही ये अंपायर का इशारा नो बॉल का भी, 1 रन और मिलेंगे, 42 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और ये खेला 1 रनों के लिए, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 43 रन, अंतिम ओवर चल रहा है, मिड ऑफ पर खेला गया, 1 रन, दूसरा रन लेने की संभावना बन रही थी लेकिन उसे नकारा, दोनों ही बैट्समैन ने एक दूसरे की तरफ देखकर
अपनी सहमति व्यक्त की और जाने दिया एक रन के साथ। इस बीच एक और रन, 45 रन, एक रन के लिए खेल दिया। ये एक अच्छा मुझे रणनीति इनकी अच्छी लग रही है कि बाउंड्री अगर नहीं भी आता है तो कम से कम गेंद डॉट निकालने से अच्छा है एक एक रन तो लिया जाए, स्कोर में इजाफा होते रहेंगे। और ये उछाल कर खेला है और ये बॉक्स आउट। छियालीस रन 5 विकेट के नुकसान पर ये इस इनिंग की छठवें ओवर की अंतिम गेंद होंगी। देखना है कि केसी ब्रदर्स, केसी क्रिकेट लवर्स अर्धशतक तक पहुंचते हैं, अपनी टीम को पहुंचाते हैं या नहीं। फिलहाल 46 रन अंतिम गेंद और ये उछाल कर खेला है, नो बॉल का इशारा, साथ में एक अतिरिक्त रन और एक दौड़ कर 2 रन मिलेंगे। स्कोर बढ़ता पहुंचा 48, एक और गेंद मिल गई है केसी लवर्स को और ये उछाल कर खेला है, एक रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगा रहे हैं और ये आए आउट। एक रन काउंट में जरूर आएगा, 49 रन केसी ब्रदर्स, केसी क्रिकेट लवर्स 6 ओवर की समाप्ति पर। एम सुरेश लीजेंड्स को जीत के लिए 50 रनों का लक्ष्य दिया है 6 ओवर में। अर्धशतक खुद नहीं बना पाई तो अपनी कॉम्पिटेटिव टीम को उन्होंने निमंत्रण दिया है, आमंत्रित किया है कि आप बना लो कम से कम अर्धशतक, और 50 रनों का लक्ष्य दिया है एम्स रेस की टीम को केसी क्रिकेट लवर्स ने। दर्शकों को बता दूं कि बॉस क्रिकेट लीग 2023 सीजन 2 का आज 5वां दिन और 5वें दिन के आज के इस मैच में बैक टू बैक 5 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें से 3 मैच हो चुके हैं, चौथा मैच खेला जा रहा है और इसके बाद एक अंतिम 5वां मैच, अंतिम मैच इसके बाद खेला जाएगा, अंतिम मैच जो कि DDPL टीम और जसानी वॉरियर्स के बीच खेला जाना है। फिलहाल चौथे मैच की पहली इनिंग हो चुकी है। केसी क्रिकेट लवर्स ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 6 ओवरों में 49 रन बनाए और एम सुरेश की टीम को जीत के लिए 50 रनों का लक्ष्य दिया है। एम सुरेश के कैप्टन से मेरा निवेदन कि वो मैच शुरू होने के कगार पर स्ट्राइकर इन पर सुजाए
और चिंतित जो कि नॉन स्टैकिंग इन पे हैं एम सुरेश की तरफ से। एम सुरेश को निर्धारित 36 गेंदों पर 50 रन जीतने के लिए चाहिए। ये वाइड का इशारा अतिरिक्त के साथ एम सुरेश का खाता खुला एक रन। ये उछाल कर खेला है कवर की दिशा में, चूंकि लेफ्ट हैंडेड हैं बैट्समैन तो उनके लिए एक रन। उसके साथ ही सूरज ने अपने पूरे किए खाता खोला, टीम का स्कोर 2 रन। नो का इशारा, अंपायर का अतिरिक्त रन। इस ओवर की ये दूसरी अतिरिक्त रन थी, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा और ये खेल दिया है, देखने क्या होता है। और ये चौका और 4 रनों के साथ ही टीम का स्कोर उछलता हुआ पहुंचा 7 रन। इन 7 रनों में 2 अतिरिक्त, फिर से नो का इशारा, तीसरा अतिरिक्त रन इस ओवर में अब तक और स्कोर 8 रन। 8 रनों में 3 अतिरिक्त, मिड ऑन लॉन्ग ऑन पर खेला गया 1 रन। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 9 रन। ये पहले ओवर 1 रन के लिए खेल दिया है, 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति 10 रन बिना किसी नुकसान के। सुकेन जो कि अभी और ये उछाल कर खेला और ये लगा सिक्सर और इन 6 रनों की मदद से स्कोर में उछाल 16 रन बिना किसी नुकसान के। फिर से उछाल कर खेला और ये लगा सिक्सर, लगातार दूसरा छक्का, लगातार दूसरा सिक्स, स्कोर उछलता हुआ 22 रन। एम सुरेश का स्कोर और ये 1 रन के लिए खेला गया, 23 रन पे पहुंची एम सुरेश। दूसरा ओवर चल रहा है, पहले ओवर में जहां 10 रन आए थे, दूसरे ओवर की अब तक की गेंदों में ये 4 रन आ चुके हैं, माफी चाहूंगा 14 रन आ चुके हैं। ये वाइड का इशारा, 25 पे पहुंची एम सुरेश की टीम, उछाल कर खेला और ये लगा सिक्सर। बहुत ही महंगा ओवर सुकेन भाई का, अपने इस ओवर में उन्होंने कुल 21 रन खर्च किए, कोई सफलता नहीं। एम सुरेश का स्कोर 31 विदाउट लॉस। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं करण, जीत के लिए 19 रनों की जरूरत। उछाल कर खेला है, 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 32 रन। कवर की दिशा में खेला गया 1 रनों के लिए, 1 रन के साथ स्कोर 33 बिना किसी नुकसान के एम सुरेश की टीम। उछाल कर खेला गया है और ये लगा सिक्सर और इन 6 रनों की मदद से स्कोर उछलता हुआ पहुंचा 39 रन। देखना है कि एम सुरेश की टीम 8 विकेट से ये मैच, 7 विकेट से ये मैच जीतती है या एम केसी क्रिकेट लवर्स
उनको रोकने में सफल हो पाती है। फिलहाल तीसरा ओवर चल रहा है, तीसरे ओवर की ये संभवतया पांचवी गेंद होगी। फिर से खेल दिया है एक रनों के लिए, स्ट्रेट ड्राइव खेला गया ये शॉट, एक रन मिलेंगे, एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 40 रन। ये तीसरे ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति पे एम सुरेश का स्कोर 40 रन बिना किसी नुकसान के। अंतिम 18 गेंदों में 10 रन की जरूरत और मैं DDPL और जसानी वॉरियर्स के कैप्टन से अनुरोध करूंगा कि वो कम्युनिटी बॉक्स के पास संपर्क करें। DDPL और जसानी ब्रदर्स के कैप्टन से अनुरोध कि वो कम्युनिटी बॉक्स से संपर्क करें। इस बीच चौथा ओवर लेकर चंद्रेश भाई तैयार हैं, उछाल कर खेला है और ये लगा सिक्सर। 46 एम सुरेश का स्कोर, 46 रन बिना किसी नुकसान के, जीत के लिए सिर्फ 4 रनों की जरूरत। फिर से उछाल कर खेला है और ये लगा सिक्सर। इसके साथ ही एम सुरेश ने इस मैच को 7 विकेट से जीत लिया है। एम सुरेश का स्कोर 52 रन विदाउट लॉस। और आज का अंतिम पांचवा और अंतिम मैच जो कि DDPL टीम और जसानी वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा, मैं दोनों टीम के कैप्टन